Assalamu alaikum student, this is Sayyida Fatma Rizvi and today we are going to discuss about gas laws. Secondary physics ka hum first chapter pad rahe hain which is heat. Hum kuch topics discuss kar chuke hain and now gas laws. So gas laws kya hain ki kisi bhi gas law ko ya gas ko represent karne ke liye hame char parameter ki zarurat hoti hai. These are mass, volume, pressure and temperature. गैस को डिफाइन इन चार पैरामीटर से करते हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. और अगर हम बात करें गैस लॉस की तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं कि अगर हम इन दो पैरामीटर्स में से किसी दो को फिक्स कर लें और दो के बिटवीन रिलेशन बताएं तो गैस लॉ बन जाए. जैसे हम सपोज करें कि हम जो है मास को और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले लें और प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन कोई रिलेशन एक्सप्लेन करें तो ये एक गैस लॉ बनेगा. गैस लॉज जितने भी हमारे पास, चाहे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो, एवोगैड्रो लॉ हो, ये सारे के सारे लॉज जो है एक आइडियल गैस से बने हैं. आइडियल गैस कौन सी गैस है? आइडियल गैस कोई हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन नहीं है. दीज ऑल आर रियल गैसेस. आइडियल और रियल के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. रियल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं. आइडियल गैस इट इज़ जस्ट एन आइडिया. ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. अब जब रियल में एग्जिस्ट नहीं करती तो सारे लॉज की उस पर रख के बनाएं. देखिए, कंडीशन हमेशा आइडियल ही रखी जाती है. आइडियल जैसे आपने कारनॉट इंजन पढ़ेंगे आप, एक आइडियल इंजन पहले बनाया जाता है, एक आइडियल कंडीशंस बनाई जाती हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम रियल वर्ल्ड में इसके किस हद तक करीब आ सकते हैं. ठीक है, अब जैसे हमने गैस लॉज बना लिए, आइडियल गैस तो उसको हर हाल में ओबे करेगी. रियल गैसेस कुछ कुछ कंडीशंस, कुछ पैरामीटर्स, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स में उसको ओबे करेगी और कुछ में नहीं करेगी. तो अब हम ये देखते हैं कि गैस लॉज हैं क्या, पेपर में किस तरीके से आते हैं. पेपर में आपसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में या जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है. बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि फॉर फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. के अगर हमारे पास मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. कैसे वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? आप परफ्यूम की एग्जांपल कंसीडर करें कि परफ्यूम जो है जब अपनी बॉटल में है तो वो उसको कितना हाई प्रेशर दिया हुआ है, वो इतनी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, उसका वॉल्यूम कम है, और हम जैसे ही स्प्रे करते हैं परफ्यूम उसमें से बाहर निकलता है तो उसको ज़्यादा वॉल्यूम मिल जाता है, उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है. ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होगा तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, वी हैं डिवाइड हो रहा था मजा के मल्टीप्लाई. इस एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको नहीं समझ आया बॉयल्स लॉ तो यहाँ पे मैं एनिमेशन प्ले कर रही हूँ, हम उस एनिमेशन को देखेंगे तो हम बॉयल्स लॉ को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें यहाँ टेम्परेचर शो किया हुआ है, यहाँ प्रेशर, यहाँ मास. ठीक है, अब इसको जब हम मूव कराएंगे, प्रेशर को चेंज करते रहेंगे, मास और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखेंगे, और यहाँ पे पीवीसी जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रेशर पी है, वॉल्यूम के लिए वी यूज़ हुआ है एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट. तो अब हम ये देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर मूव नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, मास तो है ही कॉन्स्टेंट, प्रेशर बार बार चेंज हो रहा है. देखिए, प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये बड़ा प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब पिस्टन पे लोड हम दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या है गैस का, कंप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है. फिर हम जब पिस्टन पे से लोड हटा रहे हैं इसका प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने की वजह से गैस जो है अपवर्ड मूव कर रही है, मीन्स उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो एक हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रहा है उससे भी आपको यही पता लग रहा है कि ये देखें इस साइड प्रेशर ज़्यादा होगा और इस साइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा. कि जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ गया. तो इन दोनों का जो रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है और ईजिली समझ आ रहा होगा कि देखें ये पिस्टन पे लोड आता जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज, लोड कम हुआ वॉल्यूम इंक्रीज. मतलब हम ईजिली कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कीपिंग द मास एंड द टेम्परेचर केप्ट कॉन्स्टेंट. तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम इस तरीके का केस कंसिडर कर रहे हैं कि हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस ले ली, कि इनिशियली जो है आपका प्रेशर वॉल्यूम क्या है, पी वन वी वन,
इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, ठीक है, आपका प्रेशर वॉल्यूम क्या है, पी वन बी वन. फिर एक हमने दूसरी कंडीशन ली फाइनली, वो क्या हो गई, पी टू वी टू. इनिशियल और फाइनल कंडीशन हम अलग अलग ले रहे हैं कि पहले प्रेशर वॉल्यूम ये था, फिर इसके बाद ये हुआ, तो इनको कंपेयर किया. अभी हम बहुत सारी कंडीशंस ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पी थ्री वी थ्री आता जाता, पी फोर वी फोर हो जाता. तो ये आपका बॉयल्स लॉ. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप वहाँ एनिमेशन में भी समझ चुके हैं, ठीक है. इसको दोबारा देख लेते हैं कि ये एक हाइपरबोलिक कर्व है. आइसोथर्म क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आइसोथर्म थर्म ही टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है. अच्छा, अब एक पॉइंट ये लिया हमने, इस पॉइंट पे ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम. आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या है, कम है. इस पॉइंट पे अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है. मतलब वही रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है. अच्छा, अब बॉयल्स लॉ आपको मास की फॉर्म में ये इसके जो रिलेशन है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और कभी कभार पूछ भी सकते हैं पेपर में. तो ये भी देखने हैं कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और हम मास को जो है ये कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि ये जो प्रोडक्ट है ना प्रेशर और वॉल्यूम का जो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर मास कांस्टेंट है तो इट्स ओके, लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट बन जाता है मास से, ठीक है. तो मास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इनिशियली हमने वन ले लिया या आई ले लेते हैं, फाइनल के लिए हमने टू ले लिया. तो अगर हमारे पास और कंडीशंस होती तो वो पी थ्री वी थ्री और एम थ्री तक जाती. ये रिलेशन आपने याद रखना है एम्स न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए. अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ. चार्ल्स लॉ क्या है कि फॉर अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. अब इसमें आपने क्या प्रेशर और मास को कांस्टेंट रख लिया और कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव हुआ, इज इक्वल टू कांस्टेंट आया, कि या मल्टीप्लाई हो रहा था या आके वो डिवाइड हो गया. अब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसका मतलब ये है कि अगर मैं गैस का टेम्परेचर राइज करूँ तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. इसके एग्जाम्पल ऐसे लें कि एक बीकर में, एक बर्नर में आपके पास, एक बीकर में आपके पास गैस है और हमने टेम्परेचर उसको राइज करना शुरू किया, उसको बर्नर के ऊपर रखा, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, तेज तेज मूव करेंगे. जब वो मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंड होंगे, उनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा. इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं ताकि हमें और इजीली समझ आए. ये देखिएगा, इसको हमने जैसे फ्लेम दिया, पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगे, मूव करने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है. दोबारा इसको प्ले करते हैं, ये देखें आप, पहले भी मूव कर रहे थे लेकिन फ्लेम देने से तेजी से मूव करें, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ा. मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, इट इज चार्ल्स लॉ. अच्छा, चार्ल्स लॉ की वही अगर हम एक्सप्लेनेशन देख लें इनिशियल फाइनल केस के लिए, चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इनिशियली वो क्या हो जाएगा, हमने वी वन टी वन ले लिया, फाइनली वी टू टी टू. फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करा लिया, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आपका चार्ल्स लॉ है. अब जनरल गैस इक्वेशन जो है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन, एक परफेक्ट गैस के लिए ये इक्वेशन है, इसमें ये आपके पैरामीटर्स यूज होंगे, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर. और पहले अगर हम केस ये सपोज करें कि हम 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए काम करें, कि किसी सिलेंडर में गैस कितनी है, जस्ट 1 मोल है. तो इनिशियली जो हमने ये ले लिया कि हमारे पास प्रेशर क्या है, पी वन, वॉल्यूम वी वन और टेम्परेचर टी वन. तो जो ये बात लिखी है मैंने, ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ लिखी है. असल में जनरल गैस इक्वेशन जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके ही बनती है. कुछ लोग इसको ड्राइव करा लेते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो को मिला के, बिल्कुल ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. अभी हमारे कोर्स में एवोगैड्रो लॉ नहीं है, खाली बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, एवोगैड्रो को यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन अगर यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक मेथड है वो. तो बॉयल्स लॉ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, हमने यहाँ पे वी दे लिया. क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है कि जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो हमने लिया है, टी
ठीक है, और जो हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है V1 से V, ये हमारे ऊपर है कि हम नाम अपने पास से देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने V की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो P2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड आ गया। अब सेकेंड प्रोसेस में हम बॉयल्स लॉ को नहीं चार्ल्स लॉ को कंसिडर करेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर को नहीं बल्कि प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या किया कि प्रेशर हमारे पास क्या है, अब चेंज वो आ गया यहाँ पे P2। ठीक है, अब प्रेशर को मैं P2 से P3 तक नहीं जाऊँगी, प्रेशर 400 की बात हुई, प्रेशर कांस्टेंट है P2, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा V से V2, और टेम्परेचर हमारे पास पहले T1 था, अब क्या हो जाएगा T2। तो ये हमने चार्ल्स लॉ रखा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V/T1 V/T2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिया है V, T1 ये डिवाइड हो रहा था, ठीक है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये भी V की एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमने V की बॉयल्स लॉ से निकाली थी, एक वैल्यू V की हमने चार्ल्स लॉ से निकाली, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो ये कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमने क्या लिया है R फॉर वन मोल ऑफ अ गैस। आर क्या है, आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 8.314 होती है। इसकी वैल्यू वगैरह आप लोग केमिस्ट्री में भी निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ड्राइव नहीं करें, बस आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट। अगर वन मोल ऑफ गैस है तो ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टू, लेकिन अगर एन मोल ऑफ गैस है, मतलब मुझे नहीं पता कितने सारे मोल्स, एक मोल तो नहीं होगा किसी भी सिलेंडर में गैस का, तीन चार बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ मोल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने एन मोल रख लिया। ये आपका पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इट इज जनरल गैस इक्वेशन, और यही याद रखनी है, लाजमी इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसकी डेरिवेशन और यहाँ तक, और कोई भी इसमें इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।